Hello everyone, I am Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics. Basically, आज का हमारा वीडियो कंटेन करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवेलप थ्योरम. तो इसका एक्चुअली पेपर वन में नोट्स शॉर्ट नोट्स लिखने आता है. तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कर दूंगा नोट्स के लिए. और आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज ए एनवेलप थ्योरम. तो दो चीज इसमें समझना जरूरी है. इट इज अ वेरी नेसेसरी टू हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू थिंग्स. वन थिंग इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अभी मैं एनवेलप थ्योरम पर नहीं आ रहा हूं, पहले ये चीज को आप समझ लो, उसके बाद मैं तुरंत आ रहा हूं. डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है कि हमने मैक्सिमाइज करते हैं, मान के चलिए यूटिलिटी या कोई भी चीज प्रॉफिट को. यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ओके, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या इस तरह भी एक्स टाइम्स वाई रहता है. ठीक है, तो हम जब इसी को हम लोग डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं. ठीक है, अब आपको जो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे दिया गया. अब इसका जब हम सॉल्व करते हैं, इसको लैग्रेंजियन मेथड को अप्लाई करके बजट कंस्ट्रेंट्स के साथ जब इसको सॉल्व करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू को निकाल देते हैं. ठीक है, और तो जैसे इनडायरेक्ट हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. ठीक है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो भी सम डिनोट करते हैं, विच इज द प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ सॉरी इनकम, एम इज इनकम. तो हम निकालते हैं इस तरह. तो जैसे ही हम एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, मान के चलिए एक्स का वैल्यू हमारा कुछ भी निकला, फाइव निकला. इसका वैल्यू वाई का हमारा वैल्यू निकला, मान के चलिए कोई और भी लेटर ले लेते हैं, गामा निकला. ठीक है, इसको मान के चलिए अल्फा निकला, अल्फा गामा. तो यहां पर जैसे ही एक्स और वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे, मान के चलिए ये सॉल्व करते हैं, उसी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पर क्या हो गया, मान के चलिए भी था, अब अल्फा और गामा हो गया. अल्फा एंड गामा जो वैल्यू आया, ठीक है, अल्फा एंड गामा आ गया, अल्फा बीटा. तो वही चीज है कि जब इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो एक्स एंड वाई का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनवेलप थ्योरम. ये कंसेप्ट समझना जरूरी था, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो सपोज दैट हमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, यूटिलिटी है, वो फंक्शन है. ठीक है, एक्स है, वाई है, और एक नया पैरामीटर जैसे अभी हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी में आ जाता है, उसी तरह यहां पर वाई है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो एफ ओ सी होता है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एफ एक्स. ठीक है, एफएक्स, एफएक्स का मतलब क्या हो रहा है कि डी यू बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको निकाल रहे हैं एफएक्स. तो ये जो निकलेगा एफएक्स, ठीक है, यहां पर तो हमारा कोई डी थी नहीं, हम तो यहां पर एक सिंबल मान के चल रहे हैं. तो एफएक्स इज द फंक्शन ऑफ, ये तीनों का फंक्शन में निकल सकता है, एक्स वाई फाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, उसी तरह एफ वाई निकाल लेंगे हम, तो क्या होगा, डी वी बाय डी वाई. ठीक है, तो इसी तरह निकलेगा एफ वाई, विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई फाई इक्वल टू जीरो. ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हो गया. सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी हम निकाल सकते हैं मैक्सिमाइजेशन के, जिसको बॉर्डेड हेक्सियन मैट्रिसेस कहते हैं. तो यहां पर आप हम देख लेते हैं, ये हमने निकाला, तो इसको मिटाते हैं. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल के हम लोग फिर किधर चलना है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमाइजेशन के लिए. तो
Hessian matrix. Matrix. ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम बॉडीड हेसियन मैट्रिसेस को निकालते हैं, तो क्या हमारा बताए थे, एक हमारी वीडियो भी आई थी इस पर, देख लीजिएगा। पहले तो एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स फाइव, तीन ठो फंक्शन में, ठीक है, तीनों का निकाल लेंगे। फिर एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई फाइव, ठीक है, एफ फाई एक्स, एफ फाई वाई, एफ फाई फाइव, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो निकल गया, तो हमारा सेकंड ऑर्डर जो कंडीशन है वो सैटिस्फाइड हो गया फॉर द मैक्सिमाइजेशन वैल्यू, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑर्डर जो कंडीशन निकालते हैं, तो हमारा दो इक्वेशन आया था, फर्स्ट एंड सेकंड, जो वैल्यू था ये हमारा निकला था भाई एफ एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फाई इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इक्वल टू, ये हमारा निकला था पहले एक्स वाई एंड फाई विच द फंक्शन ऑफ जीरो। तो ये दोनों हम मान के चलिए हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू एक्स को निकालते हैं हम उसको बताते हैं एक्स स्टार, तो ये जो निकलेगा वैल्यू, तो एक्स फाई एक्स स्टार विच इज द फंक्शन ऑफ फाई एंड वाई का भी वैल्यू हम जब निकालेंगे, ठीक है, तो वाई स्टार, वाई स्टार विच इज द फंक्शन ऑफ फाई, तो ये जो वैल्यू हमने एक्स और वाई का निकाला फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को सॉल्व करके, यहाँ पर सॉल्व इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं एक सिंबल सेलेक्ट चल रहा हूँ एक्स वाई, जब एक क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी तो वहां दिखने लगेगा, तो फिलहाल हमको यहाँ पर नोट से लिखना है, तो उतना हम लंबा नहीं चलेंगे। आपको एक टेक्निक बता देते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पर एक्स वाई रहेगा तो आराम से आप निकाल लोगे, तो खैर वो सब छोड़े, तो आप यहाँ जो ये तो दिया गया है वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आप कैसे होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब वहां पर जैसे हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी में बदल देते थे यू को भी में, उसी तरह यहाँ भी लिखना, सेम चीज नहीं लिखना, ठीक है, उसको दूसरा चीज मान सकते, भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ जो एक्स का जो वैल्यू निकला वो लिख देना है, ठीक है, इस तरह विच इज द, ठीक है, एक्स का वैल्यू जो आया वो लिख देंगे एक्स डैश फंक्शन ऑफ फाई, वाई का जो वैल्यू आया वो लिख देंगे वाई डैश, ठीक है, फंक्शन ऑफ फाई एंड ऑलरेडी इसमें फाई तो था ही, ठीक है। अब ये जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ, देखिए इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हो गया, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो जैसे ही आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो पैरामीटर यहां भी दिख रहा है, यहां भी किसी पैरामीटर से इसकी डायरेक्टिविटी ले लोगे, ठीक है, वी इक्वल टू, हम मिटाते हैं जगह बनाने के लिए, घबराने की कोई बात नहीं, इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे, डी भी किसके रिस्पेक्ट में लोगे, फाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव प्लस चैन रूल्स लागू लगेगा, ठीक है, तो पहले हम चैन रूल से हम चलते हैं, तो डी भी बाय डी एक्स डैश टाइम्स डी एक्स टाइम्स बाय डी फाई, ठीक है, प्लस डी भी बाय डी वाई स्टार डैश डी वाई स्टार बाय डी फाई एंड प्लस डी भी बाय डी फाई। अब थोड़ा सिंबॉलिक साथ चलोगे यहां पर, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी स्टार एक्स बाय डी फाई प्लस, इसको हम एफ वाई लिख सकते हैं और इसको डी डी वाई स्टार बाय डी फाई
और इसको हम डायरेक्ट डी फाई लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम लोगों ने जो निकाला था तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड एफ एक्स बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फाई इक्वल टू जीरो, और उसी तरह एफ वाई हम लोगों ने निकाला था क्या, एक्स वाई विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई फाई इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स यहाँ पर और एफ वाई का वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा ये टर्म तो जीरो ही होगा। देखते हैं क्या बचता है, पर डी फाई प्लस एफ वाई, एफ वाई का वैल्यू भी जीरो है, जीरो लिख दिए, डी वाई बाय डी फाई प्लस एफ वाई, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या बचा, डी फाई, जो ये इक्वेशन थर्ड निकलेगा, विच इज द एसेंस ऑफ एनवेलप थ्योरम। एनवेलप में हम लोग को इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स का भी चीज है, इकोनॉमिक्स में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन इज एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। तो उसी तरह यहाँ पर जो ऑप्टिमल वैल्यू है, ऑप्टिमल वैल्यू है तो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है फाई किस पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर। तो आपने ये चीज को, आपको यहाँ मैंने ये चीज को इतना दिखाना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको नोट्स लिखने पूछ दिया एग्जाम में तब, और इसका नोट्स इट्स नोट्स इज आल्सो अवेलेबल एट द डिस्क्रिप्शन अलोंग विद दिस वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, यू कैन यूटिलाइज, आई विल प्रोवाइड लिंक फॉर देम, एंड आई होप एवरीबॉडी यू मस्ट हैव गॉट द थिंग आई हैव टॉट यू, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल यू, जय हिंद।